गढ़चांदूर में बस स्टैंड के अभाव में नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक शहर के नाम से मशहूर गढ़चांदूर शहर तहसील का एक ऐसा मात्र बड़ा शहर है जहां पर मुसाफिरों को बस स्टैंड नसीब नहीं हुआ। बस स्टैंड के नाम पर पत्रिका डब्बा। कोरबना तहसील के गढ़चांदूर शहर की आबादी तकरीबन 40,000 के करीब है। नागरिकों को पिछले कुछ वर्षों से बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध ना होने से बेवजह परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। परिसर के गांव से यहां आने वाले छोटे बड़े स्कूली बच्चे बुजुर्गों के साथ खासतौर पर महिलाओं को बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। कई माताएं अपने बच्चों को कड़कड़ाती धूप और बारिश से बचाने के लिए आसपास के दुकानों के शेड का सहारा लेते हैं। ऐसे हालात इस औद्योगिक शहर के बने हुए हैं। 2 वर्ष पूर्व यहाँ का बरसों पुराना प्रवासी निवारा हाईवे की भेंट चढ़ गया। तब से लेकर आज तक सिर्फ बस स्टैंड के संदर्भ में आश्वासनों की खैरात बांटी जा रही है। बस स्टैंड के नाम पर यहाँ एक लोहे का डब्बा बना हुआ है जिसमें महामंडल का कर्मचारी दरवाजा बंद करके बैठता है। बैठने का ठिकाना नहीं होने से कई महिला और पुरुष मुसाफिर मजबूरन शौचालय के सामने बैठकर बसों का इंतजार करते दिखाई देते हैं। देखिए बस के इंतजार में खड़े शौचालय के सामने मुसाफिर। हाल ही में गढ़चांदूर सरकारी दवाखाने में एक कार्यक्रम लिया गया। वहां राजूरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एडवोकेट संजय धोटे से हमारे संवाददाता ने बस स्टैंड के संदर्भ में जानकारी ली तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आम्हाला अंबुजाकडून आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या याला जमा केली आणि ती कलेक्टरच्या अधीन झाली आहे आणि त्याच्यामुळे आता गडचांदूर बस स्टँडचा मार्ग मोकळा झाला आणि लवकरच आम्ही गडचांदूरच्या ती हँडओव्हर एसटी महामंडळाला करतो आहे आणि ताबडतोब त्याचा भूमिपूजनाचाही एक कार्यक्रम आपण ठेवू। बाकी तांत्रिक बाबींचा मंजुरी नंतर येईल, परंतु जागाची जी अडचण होती ती जागेची अडचण दूर झाली आहे, ती महाराष्ट्र शासनाच्या म्हणजे आमच्या कलेक्टरच्या स्वाधीन झालेली आहे। बरसों से लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखकर सालों साल चल रही कागजी कार्रवाई को पूर्ण विराम देकर अब जल्द ही दूसरे शहरों की तरह गढ़चांदूर शहर में भी आकर्षक और मनमोहक बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग नागरिकों ने की है। सिटी न्यूज के लिए गढ़चांदूर से हमारे विशेष संवाददाता सैयद मुमताज अली की रिपोर्ट।